चिकन चंगेजी सर, बिरयानी होती है 12 मसालों से तैयार की जाती है, अचारी बिरयानी। चिकन कौरमा कितने की प्लेट है? ये 150 रुपए है सर। अच्छा, रोटी कितनी है इसके साथ? दो रोटियां है, ठीक। आप बताइए, ये चिकन बिरयानी चला तो दो यार, दिखा दो, गर्म गर्म धुएं तो उड़ा दो मेरे भाई। देखिए इसमें सर 4 कबाब होता है, 2 पराठे होते हैं 220 के, बाकी चिकन मसाला होता है, बटर। अच्छा, क्या है ये? गुड़ का रसगुल्ला है, जो विंटर में ये काफी फेमस है बंगाल का। शुगर फ्री है इसमें, शुगर कोई आर्टिफिशियल शुगर हमने कुछ यूज नहीं करा। 200 रुपए का हाफ देख लीजिए, यहाँ पर पूरी रोस्टेड मिलेगी, पूरा रोस्ट पूरा कायदे से भून कर देते हो। मटन मसाला, चिकन बिरयानी, चिकन बोटी सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, जिस हिसाब से पब्लिक ज्यादा नहीं दिखाई दे रही, पब्लिक होनी चाहिए थी यहाँ पे, इसको कहीं ऐड वगैरह दें तो ज्यादा क्राउड होगा यहाँ। ये बात, छोला भटूरा इस पूरे फूड कॉर्नर में सिर्फ ये एक ही जगह पर आपको मिला है, बिरयानी ये लेयर वाली हैदराबादी। देखिए जरा चलाइए थोड़ा सा हल्का। देखिए पहले रौनक दे लीजिए आप सारी, यहाँ पर आप आराम से, क्योंकि भीड़ नहीं है, सुकून से आइए, खाइए पीजिए, मजे कीजिए। इसमें लौकी है और घिया है। देखिए ये हलीम हैदराबाद का अलग है, इसका मड़ुआ सूप। मड़ुआ सूप जो चीज का बनता है, रागी जो है उसकी बनती है ये, गलाया जाता है बाकायदा, ऐसे ही मसालों से ही गलाया जाता है इसको, और उसी तरीके से ये पूरा बनता है। अरे बड़ा मजा आएगा खाने में, एक बार जब यहाँ पर आप आए इसको कम से कम एक पीस जरूर ट्राई कीजिएगा। छुआरे का लड्डू, जी जी छुआरे का लड्डू है ये, इसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं। अवध का जायका, अवधी जायका, इससे पहले भी मैं ये कर चुका हूँ, एक बार दोबारा से, शायद कुछ अलग अंदाज में हो, अलग स्टाइल में हो। सबसे पहले तो मैं ये देखूँ कि यहाँ पर इनके पास ये क्या चीज़ है। देखिए उधर मैं और भी चीज़ें दिखाऊंगा, जो गुलावटी कबाब है वो भी दिखाऊंगा, जो भी चिकन रोस्टेड है बटर में है ये। अब ये क्या है, ये क्या क्या, इन्हें ये बताइए बना क्या रहा है अभी ये? ये हमारा रोस्ट, तेज बोलो ये चिकन रोस्टेड है। हाँ। और ये रेशमी चिकन टिक्का है। अच्छा, और ये हमारा मलाई टिक्का है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पूरी जो शीख है दिखा दो जरा ऊपर जी। अरे ये हमारी नहीं, वो जो लग रही है ये हाँ, ये कितने की है? ये 200 रुपए का हाफ है। ठीक है, 200 रुपए का हाफ देख लीजिए, यहाँ पर पूरी रोस्टेड मिलेगी, पूरा रोस्ट पूरा कायदे से भून कर देते हो? जी, पूरा कायदे से बना के रोस्ट करके देते हैं। अच्छा, देखिए पूरे कायदे से भुनी हुई आपको मिलेगी, रोस्टेड मिलेगी, और जब तक रोस्ट ना हो तो खाने में मजा नहीं आता। उसके बाद आ जाता है ये चपली कबाब, बहुत मशहूर है चपली कबाब, गुलावटी कबाब चपली कबाब पीछे वाला था, ये गुलावटी कबाब आ गया। और यकीन मानिए इससे पहले मैंने किया था, जिन साहब का ये है वो अभी है नहीं, लेकिन उनकी बात मैं आपको बता देता हूँ कि मसाला, हाँ ये बिल्कुल मतलब कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं होती, बहुत नेचुरल चीज़ें इसमें डली हुई होती हैं, उनको गलाया जाता है बाकायदा, ऐसे ही मसालों से ही गलाया जाता है इसको, और उसी तरीके से ये पूरा बनता है। यही साहब है ना, यही बात है जी। कोई और ख़ास बात है तो बताइए इसमें? नहीं, इसमें गलावटी में जो है मटन होता है, इसमें पपीता लगाया जाता है गलाने के लिए, बाकी इसमें खास मसाले लखनऊ के जो है, ये हमारे खुद के बनाए हुए मसाले होते हैं। अच्छा, देखिए साहब अब इनका जो मुगलियाई पराठा है वो तैयार हो गया। मेडिकल क्या क्या डलता है इसमें? इसमें सर चीनी पड़ता है, नमक पड़ता है, और इसमें घी डाल के गूंदा जाता है, उसके बाद गूंद लेने के बाद इसमें एक मक्खन देसी घी का पेस्ट बनता है, उसमें सोडा वगैरह पड़ा रहता है, उसके बाद इसमें लगा के तब बनाया जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा लखनऊ का बहुत फेमस पराठा है। अच्छा, अब ये बताइए कि पूरी प्लेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें सर 4 कबाब होता है, 2 पराठे होते हैं 220 के, बाकी चिकन मसाला होता है, बटर। अच्छा, ये पराठा और कबाब की प्लेट कितने की है? 220 की होती है। 220 रुपए की प्लेट है, जिसमें 4 कबाब मिलेंगे, 2 पराठे मिलेंगे आपको। हैं, और ये ऐसा पराठा है आप किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं, बटर चिकन, काली मिर्च, चंगेजी चिकन, चिकन मसाला, बहुत सारे हमारे पास आइटम है, चिकन बोटी, मटन कलेजी। अच्छा जी, बहुत सारे। देखिए सभी एक बार में सब इन्होंने सब गिनवा दिए हैं, तो इसलिए भैया अगर जिसका जो जायका हो, मटन मसाला, मटन काली मिर्च, मटन चंगेजी, मटन कोरमा, बहुत सारे आइटम है हमारे, ये सभी। अच्छा, मतलब सारी चीज़ें साहब इन्होंने बता दी हैं, मटन मसाला, चिकन बिरयानी, चिकन बोटी सब चीज़ें इन्होंने बता दी है सारी, जो भी आना हो यहाँ पर मुझे याद भी नहीं रहेंगे, आप खुद ही यहाँ पर आकर समझ लीजिएगा। दिल्ली 6 पुरानी दिल्ली, शाहजहाँ की दिल्ली, 800 साल पुरानी दिल्ली जो मुगलों की थी, और उन्हीं का ही खाना मुगलियाई डिशेज के नाम से जाने जाने वाला, जिसमें देखिए आपको सबसे पहले जो यहाँ पर परात में नज़र आ रहा है एकदम सुर्ख, और इतना सुर्ख कि देखते ही आपको मतलब जी ललचाने लगेगा, कुछ अलग किस्म का है ये। क्या है जनाब ये, कौन बोलेगा?
चिकन चंगेजी। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ बताइए। चिकन चंगेजी सर। चिकन चंगेजी थोड़ा सा येलोइश होता है, आपका डार्क ब्राउन है ये। सर इसमें हम मसाले अपने जो डालते हैं, सिंगे अपने मसाले पीस के डालते हैं, इसका कलर एक अलग टेस्ट भी और कलर भी अपना अलग देते हैं डिफरेंट। अच्छा प्लेट आपकी कितने की है? इसकी 240 की प्लेट है, साथ में दो रोटी हैं इसके। तंदूरी है रोटी या? जैसे आपकी इच्छा हो, गुरमाली भी ले सकते हैं या खमीर भी ले सकते हैं। मटन में है ये? चिकन में सर, चिकन। अच्छा आप साहब इसे खोलिए, बिरयानी दिखाइए सर को। साहब दिल्ली छह की जो खास बंदा, ये चिकन बिरयानी होती है, 12 मसालों से तैयार की जाती है, अचारी बिरयानी। बासमती है राज भैया? ये सेल है, गैलेक्सी सेला। देखिए सेले की बिरयानी, बड़ी बिरयानी उधर वाली जो दिखाई थी वो हमने बासमती दिखाई थी, ये सेले की आ गई। हर स्टेट का अपना जायका है, अपनी लज्जत है। अब ये बताइए साहब ये क्या है? आइए इधर। ये चिकन कोरमा है सर। अच्छा चिकन कोरमा। अब आपने थोड़ा सा पर्दा हटाया हुआ है, उस पर्दे में से ही झांकना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। जी ये बात जी, हाँ जी चिकन कोरमा है। हाँ जी चिकन कोरमा है सर। इसका क्या प्राइस रखा हुआ है आपने? इसका 200 रुपये प्राइस है, दो रोटी इसके भी साथ में। खड़े मसाले का है या पूरा भुना हुआ है? ये भुना हुआ होता है, भुने हुए मसाले का। मसाले का सारा। हाँ और बाकी इधर देखिए, जहाँ तक जा रहा है हाथ वहाँ तक दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये चिकन नहारी होती है हमारे पास, पुरानी दिल्ली की फेमस डिश नहारी। 21 मसालों से तैयार की जाती है ये, इसमें सारे गर्म मसाले होते हैं, खड़े मसालों को पीस कर डाला जाता है इसमें। देखिए पहले रौनक दे लीजिए आप सारी, यहाँ पर आप आराम से क्योंकि भीड़ नहीं है, सुकून से आइए, खाइए पीजिए मज़े कीजिए। शाम का वक्त है, सूरज ढल चुका है, सर्दी का टाइम है। अब देखिए साहब, रामपुरी कौरमा, रामपुरी कबाब, रामपुरी चंगेजी, ये बड़े मशहूर हैं वहाँ के। अब ये रामपुरी जो असल में होता है तार, वो तो खैर लेकर नहीं आए, लेकिन जो चीज़ें हैं उन्हीं को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। बताइए साहब क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं आप? कौन बोलेगा? आप बोलेंगे, बताइए। चिकन कौरमा। अच्छा चिकन कौरमा है ये, चिकन बिरयानी है। अच्छा आराम आराम से बताइए, चिकन कौरमा कितने की प्लेट है? ये 150 रुपये है सर। अच्छा रोटी कितनी है इसके साथ? दो रोटियाँ है, ठीक। अब बताइए ये चिकन बिरयानी। चला तो दो यार, दिखा दो, गर्म गर्म धुएं तो उड़ा दो मेरे भाई। ये देखिए दादा नहीं चलाते इसको क्योंकि चावल टूट जाता है और फिर मजा उसका खराब हो जाता है, आप भी नहीं लोगे अगर टूट जाएगी तो। दाम बताइए मोहम्मद जुनैद। नहीं बिरयानी का दाम बताइए। दाम 100 रुपये प्लेट है सर। अच्छा कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन हो जाता है मेरे भाई। ये देखिए जुनैद भाई ने अपना नाम भी बता दिया हाथों में। और ये है यहाँ की चिकन चंगेजी। ये चंगेजी भाई कुछ अलग किस्म का है, वो तो बड़ी परात में होता है। चिकन नहारी है, थोड़ा सा चलाइए तो मज़ा आएगा, मसाला देखकर अच्छा लग रहा है और मुंह में पानी आ रहा है, और आपके भी आ रहा होगा मुझे पूरी उम्मीद है। खैर कोई बात नहीं, मुझे पानी आ रहा है उसका जो है उसको फिर कैच कराइए, यहाँ पर आइए ओनर आर्ट में, 5 तारीख तक है, मज़ा आएगा खाने में। क्या प्राइस है इसका? 200। कितनी रोटियाँ हैं साथ में? दो रोटियाँ हैं। अच्छा अभी शाम हुई है इसलिए सिर्फ कोयला है, कोयले की आग है और राख है, कुछ देर के बाद इसके ऊपर सीखें चढ़ेंगी और देख लीजिए ऊपर। ये देखिए सीखे यहाँ पर टिक्के लगे हुए हैं, सब टिक्के साहब। आप भी कुछ बताइए सर। इसमें जो ना चिकन मलाई टिक्का है, चिकन टिक्का है, फिश टिक्का है, लॉलीपॉप फ्राई है, टंगड़ी फ्राई है, सीख कबाब है। बहुत बढ़िया, देखिए हर चीज़ है यहाँ पर, जो आपको चाहिए और जो होनी चाहिए आपके जायके के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। वहाँ का रामपुर का फेमस है चिकन मलाई टिक्का और चिकन टिक्का। मैंने बाकायदा रामपुर जाके भी वहाँ के कबाब और वहाँ का तार रोटी सब कुछ बाकायदा मैंने कवर किया है। अब ये वहीं से चीज़ें लेकर आए। चलिए बहुत शुक्रिया, रामपुर के ये आइटम थे और चीज़ें, क्योंकि अभी शाम का वक्त है, शायद इतने खाने के लिए इतने ज़्यादा। अच्छा हाँ बताइए कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से। क्या क्या लाए? चलिए यहाँ से हैदराबाद की बिरयानी होगी सबसे पहले। बिरयानी है, अरे इधर देखो बिरयानी। ये बात भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमीद। बहुत बढ़िया, एकदम अभी बोलोगे कि है आप, उनका नाम है शहनशाह का, नहीं बोलने का स्टाइल वही है इनके चेहरे का। अच्छा ये दिखाओ, पहले ये बताओ। हाँ दिखाइए, ये देखिए हैदराबादी बिरयानी, ये लेयर वाली हैदराबाद। देखिए जरा चलाइए थोड़ा सा हल्का फुल्का नीचे से। चलिए छोड़िए, रह दीजिए कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए इसे। अच्छा कितने की प्लेट है ये बिरयानी की? ये 200 की प्लेट बिरयानी है। अच्छा और ये क्या है? हलीम। चलाइए हलीम को, हलीम तो चलाया जा सकता है। ये बात ये देखिए, ये हलीम हैदराबाद का अलग है, इसका क्या प्राइस है? इसका 100 है सर, हंड्रेड रुपीज़ है। आप बोलेंगे, अच्छा देखिए वो मैंने आपको दिखाया था हलीम, वो एक अलग था, वो दिल्ली 6 वाला हलीम था जो मैंने, इनका जो हलीम है ये हैदराबादी है, इसके अंदर मीट भी डाला हुआ, गोश्त भी डाला हुआ है। अच्छा मटर है इसमें या चिकन है? चिकन है, चिकन है, चिकन डाला हुआ है। अच्छा और ये क्या है आपका? हैदराबाद का चिकन 65 बोनलेस में रहेगा, बोनलेस में ये है, ये डबल का मीठा है सर, कुर्बानी का मीठा है। अच्छा ये बताइए ये क्या आपका दरअसल चिकन का रायता रहेगा और ये हां दही का रायता रहेगा और ये बिरयानी का जो ग्रेवी है। अच्छा
ये डबल का मीठा है ऐसे डबल का मीठा वो हटाइए जरा ये हटाओ ये डबल का मीठा क्यों बोलते हैं इसको रोटी क्या बताइए डबल का मीठा है ना अच्छा वाला इसमें इसको मीठा इसको जाफरान में और देसी घी में ब्रेड को फ्राई करके बनवाते हैं आइला फिश है इसे हम हाफ फ्राई करके रखे हुए हैं जब कस्टमर मांगते हैं तो हम उसे क्या प्राइस रखा हुआ है इसका 150 सर ये क्या आ गया आपका आपका ये आएंगे चिकन ग्रेवी है हमारे ओडिशा स्टाइल में देखिए चिकन ग्रेवी है ये अच्छा पूरा कोई डिश मिलती है पूरी थाली आपको आपकी राइस एंड चिकन ग्रेवी अच्छा ये कितने की प्लेट होती है 150 सर अच्छा और ये क्या है आपका ये आपकी है मड़ुआ सूप जो चीज का बनता है रागी जो है उसकी बनती है ये अच्छा रागी का बनता है ये बहुत पौष्टिक है छोटे बच्चे बुजुर्ग सबको ये ले सकते हैं हम लोग नेस्ले नेस्कैफे जो कहते हैं ना और वो में खाते हैं साबुदाने की खीर है रागी कुछ इस तरीके की उसी तरह की बड़ा मजा आएगा खाने में ट्राई जरूर कीजिएगा उड़ीसा का है और दूसरी स्टेट में वेजिटेरियन वैसे कम है लेकिन उन कम में नहीं इसमें तो नॉन वेज भी आ गया चिकन भी आ गया लेकिन खैर रागी की जो खीर है देखिए अरे देखिए सामने आ रहा है मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ बहुत जल्दी मैडम ने एकदम बना के भी दे दिया वैसे मेरा मूड था नहीं इस वक्त में खाना खा कर आया था लाइए दिखाइए ये देखिए इन्होंने बीच में अनार के दो दाने भी डाल दिए हैं और इसका जो टेस्ट है वो भी मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं क्योंकि साबूदाने का तो आपने खाया हुआ हो सकता है कि शायद ये कुछ उसी तरीके से हो हाँ हल्का हल्का गुनगुना और पीने के बाद एक अच्छा खुशनुमा एहसास बहुत मीठा नहीं है बहुत फीका नहीं है आप भी इसको पियेंगे तो पीने के बाद एक हल्केपन का एहसास होगा वो एक सिप से अंदाज़ा हो गया ट्राई कीजिएगा दूसरी जगह जाने से पहले इसको थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लूँ फिर बात करेंगे हलीम बिरयानी दिल्ली की मशहूर हलीम बिरयानी अलग अलग जगहों पर मिलती है अब ये कहाँ से आए अभी पता करूँगा सबसे पहले जो बिरयानी है ना चिकन बिरयानी उन्होंने दिखाइए साहब चिकन बिरयानी का ज़रा दीदार कराइए कहाँ से लेकर आए दिल्ली से दिल्ली खुरेश जी अच्छा दिल्ली खुरेश जी बहुत सही है बहुत बढ़िया रखिए इसे अब हाँ ये चिकन बिरयानी अब आगे है हलीम बड़ा दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है बताइए ये हलीम है क्या क्या चीज़ें डली होती हैं हलीम में इसमें जी गेहूँ गिरते हैं जौ गिरते हैं दाल गिरती है चने की दाल मूंग की दाल मसूरी की दाल उड़द की दाल उसके साथ फिर ये बनाई जाती है चलिए यानी बिरयानी के ऊपर ये हलीम होता है और हलीम जितने भी अनाज होते हैं उन सबको घोट कर बाकायदा गला कर उसके साथ खाया जाता है ये वेजिटेरियन है इसमें हाँ वेजिटेरियन में ये क्या लेकर आए ये क्या है जी ये पनीर चिल्ला है जी पनीर चिल्ला है सोया चाप तवा है और आपका ब्रेड सैंडविच है प्राइस बताओ जी प्राइस कितने का है ये 150 150 चलिए अच्छा आपकी प्लेट कितने की है मैंने पूछी नहीं जी प्लेट हमारी 50 रुपये की है 100 रुपये की है चिकन बिरयानी हलीम बिरयानी हैगी 80 रुपये की हाफ और 160 रुपये की फुल अच्छा ये बताओ ना सोच के क्यों बोल रहे हो क्या याद नहीं थे प्राइस रेट है थोड़ा हाँ भाई साहब आप थोड़ा सीधा आइए लाइट आपके बढ़ रही है अब बताइए खाने के बारे में हुनर हाट के बारे में बताइए सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके जिस हिसाब से पब्लिक ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही पब्लिक होनी चाहिए थी यहाँ पे इसको कहीं ऐड वगैरह दें तो ज़्यादा क्राउड होगा यहाँ पे अभी तो लोगों को पता नहीं है इस बात हाँ पता नहीं है पब्लिक होनी चाहिए सब लोग खाली बैठे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा देख के कुछ खाया पिया कि नहीं नहीं अभी शुरू कर रहे हैं बस ये अभी लेंगे हाँ जी चलिए बेस्ट ऑफ लक हाँ जी चलिए बिरयानी खाइए हाँ जी ठीक थैंक यू चलिए आगे चलें क्योंकि नॉन वेज लगातार हो रहा है तो कुछ ये बात छोला भटूरा इस पूरे फूड कॉर्नर में सिर्फ ये एक ही जगह पर आपको मिला है ज़्यादातर ये ट्रेडिशनल फूड है इधर यहाँ पर आपको नॉन वेज ही मिलेगा जो अभी तक मैंने सारे दिखाए छोले भटूरे हैं कहाँ से आए हुए हैं आप लोग दिल्ली से ही हैं अच्छा दिल्ली का ही है कॉमन जो मिलता है चीज़ें वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी छोला ये छोला डाला हुआ या चना है छोले हैं हाँ छोले ये अच्छा छोले हुआ और इनके साथ की सब्जी हुई प्राइस क्या रखा हुआ है आपने 60 रुपये की अच्छा 60 रुपये की इनकी प्लेट है और प्लेट देखिए इस तरीके से पूरी बनकर आ गई हाँ ज़रा ये दिखाइए तो ज़रा कैमरे पर ये बात 60 रुपये की इनकी ये प्याज के साथ प्लेट आ गई कहाँ से आए मैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली सर दिल्ली से ही हैं तो आज छोले भटूरे चलेंगे सर कल चिकन बिरयानी खाया था छोले भटूरे खा लेंगे अच्छा मुझे लगता है रोज ही तुमने लाइन लगा दी है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके चलो ठीक है बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर देखिए खाना हो और खाने के बाद अगर मीठा ना हो तो बात ज़रा अधूरी सी लगती है
और इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए आपके लिए पेश है किस्म किस्म की मिठाइयाँ, और वो भी अलग अलग तरीके से। देखिए इस किस्म की जो मिठाई है, आपने मुजफ्फरनगर की खास मिठाई आई हुई है, मुजफ्फरनगर से आए हैं साहब? सर मुजफ्फरनगर से चले। यहाँ से ये कौन सी है? ये लौकी की लॉज कहलाती है इसकी। इसमें लौकी है और घिया है, घिया बोलते हैं इसको। लौकी कितने रुपए किलो है? ये हमारे पास जो है सर ये 325 का हाफ के जी है। अच्छा, मावा डलता है इसमें? मावा डलता है और लौकी। अच्छा आगे चले। ये छुआरे का लड्डू है सर। छुआरे का लड्डू? जी जी, छुआरे का लड्डू है ये, इसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं। अच्छा, जो आजकल मिनरल्स और इसका वो बहुत वो। अच्छा, प्राइस बताइए। प्राइस इसका प्राइस जो है 650 का हाफ के जी है। चलिए 650 का हाफ के जी। चलिए आगे। और ये है चना लड्डू सर। चना लड्डू? जी चना लड्डू, ये चना है, गोंदा इसमें, काजू है और मखाना पड़ता है। इसका प्राइस? देसी घी में प्रिपरेशन है। इसका प्राइस जो है ये 400 का आधा किलो है। अच्छा। ये कलाकंद है सर, कलाकंद बनती है खोया और उसका स्वीट्स का। अच्छा। ये आ गया तिलबुग्गा, ये तिल का और नारियल पड़ता है इसमें और खोया है। अच्छा, इसका क्या प्राइस है? ये पड़ेगा आपको 320 का हाफ के जी। 320 रुपये का मिलेगा। और देखिए और भी है, खाली सिर्फ यही नहीं है क्या? ये वही सब चीज़ें जो हमने देखी। ये अंजीर की बर्फी? हाँ अंजीर। अरे खोल के दिखाइए। अंजीर की बर्फी का तो जवाब ही नहीं है, तो गजब है। ये शुगर फ्री है, इसमें शुगर कोई आर्टिफिशियल शुगर हमने कुछ यूज़ नहीं करा। ये खाना देख, खा के भी टेस्ट करके देख। प्राइस बताइए क्या है? प्राइस इसका 700 का हाफ के जी है सर। ये अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ दिखाइए दिखाइए, टेस्ट कराइए। देखिए शुगर की, शुगर वो शुगर फ्री है सर? नहीं नहीं, शुगर फ्री तो कोई मसला नहीं है, वो तो शुगर की भी दिक्कत नहीं है। ये अंजीर आपने बताई? जी अंजीर है, खजूर है। अच्छा खंजीर, अंजीर है, खजूर है, किशमिश है और काजू है इसमें। जितनी बातें बताई हैं ना वो सब इसमें हैं। चौटते हैं। अरे बड़ा मज़ा आएगा खाने में। एक बार जब यहाँ पर आप आएँ, इसको कम से कम एक पीस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा है, बहुत लजीज है, मतलब वाकई में इसमें बहुत कंट्रोल है और लज्जत है भाई। मज़ा आ गया, बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कि आगे चले, आगे चलने के बाद देखिए स्वीट की बात चल रही है। मैंने कहा था कि खाना अगर मीठा ना हो तो खाना बिल्कुल ये बिल्कुल बेकार है। खाना मीठा हो तो होना ही चाहिए। वेस्ट बंगाल के जो स्वीट डिशेज हैं वो थोड़े लेकर आए हैं। देखिए पहले तो एक पूरे ही निगाह मार लीजिए, एक छोटी 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 चीज़ें काफ़ी हैं इनके पास। अब डिटेल में शुरू करते हैं यहीं से। कौन बताएगा, क्या नाम है आपका? सोमाश्री दासगुप्त। सोमाश्री दासगुप्त। सोमाश्री देश गुप्ता बहुत बढ़िया। अब ये बताइए ये क्या चीज़ है? ये है दूध पुली है जो गुड़ और छेना से है, जैसे रसमलाई की टाइप का है। अच्छा, प्राइस क्या रहेगा इसका? 40 रुपीस इच। इच एक 40 रुपीस का। अच्छा ये भी शायद उसी का। ये छेना चौम है, इसका नाम चौम है। ये छेना और चीनी से बनता है। प्राइस क्या रहेगा? 40। ये मूंग की दाल का? नहीं ये है। लग रहा है सूजी और गुड़ से है। अच्छा, सूजी और गुड़ से ये अलग बना हुआ है। ये किस्म थोड़ी सी अलग है, सब वेस्ट बंगाल के। देखिए खान पान रहन सहन सब मिलेगा हुनर हाट में, तो ये खान पान की एक खास अलग किस्म की वैरायटी है। और ये सब बताइए क्या है? ये गुड़ का रसगुल्ला है जो विंटर में ये काफी फेमस है बंगाल का। बहुत बढ़िया, खाने के बाद एकदम गर्माहट पैदा कर दे, मतलब ये वो है। अगर आपने खा लिया, ये वो लड्डू है, वो रसगुल्ला है, आपने खाया तो पछताएंगे नहीं। हाँ आपने खाया तो आप पछताएंगे नहीं, आपको मजा आएगा। हाँ पैसे की पूरी वसूली, पूरा वसूल है एकदम। आपने प्राइस तो बताया नहीं इसका। 35 है। 35 रुपीज। चलिए गुड़ में बना हुआ है ये गुड़ का बना हुआ है। अच्छा ये यहाँ पर सामने ये बताइए क्या है? दही है, मीठा दही जो मिष्टी दोई बोला जाता है बंगाल में। प्राइस बताएं इसका? इसका 35। और ये सब क्या क्या? आपने प्लास्टिक तो हटाइए ये सब। ये कुछ होममेड मफिन्स और कपकेक्स है बच्चे लोगों के लिए, जिन लोगों को मीठा पसंद नहीं है उन लोगों के लिए ये बनाया गया। अच्छा, बच्चों का भी आइटम है। और ये भी वही सब है? हाँ ये खीर है, दूध और जैगुड़ी का खीर। ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो आइटम है जो मीठा है वो सब यहाँ पर आ गया। और खाने के बाद वैसे तो उन जगहों पर मीठा नहीं मिलेगा, बाकी और जगहें थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद खास स्टेट का ही नहीं उस सूबे का आपको मिलेगा। इससे पहले मुजफ्फरनगर और दूसरा ये वेस्ट बंगाल दिखाया। अब प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं, खाने का प्रोग्राम लंबा हो चुका है और काफ़ी कुछ जो दिखाने का था बताने का था वो सब मैं दिखा चुका हूं, बता चुका हूं। वेज भी दिखाया मैं, मेरा गांव मेरा देश वो भी आया, और जो नॉन वेज था वो भी सब आया, मीठा भी आया। और जो भी लगे हुए हैं यहां पर, क्योंकि हुनर हाट है तो इसलिए खान पान रहन सहन और कलाकार की अपनी कलाकारी
फन की फनकारी वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगी। बस निगाह चाहिए, आपके कदम यहाँ तक आने चाहिए और फिर आप उस चीज़ को लीजिए, घर में सजाइए और पूरे साल खुशी में रहिए कि साहब हुनर हाट से दिल्ली से हमने ये चीज़ ली थी। आज के लिए इतना ही, आदाब, नमस्कार।